देगा। राजपूत युग जो है वो राजस्थान और भारत में 7वीं से 12वीं सदी तक का समय जो है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान से जुड़े हुए हर एग्जाम में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे हम इसके सिद्धांत में लेते हैं, एक नंबर पे अग्नि कुंड का सिद्धांत, इसमें यह है कि भाई माउंट आबू में एक यज्ञ हुआ और उस यज्ञ से चार पुरुष उत्पन्न हुए और उन चारों ने अलग अलग देशों में जाके चार राजवंश स्थापित किए। इसके समर्थक का प्रश्न आता है, अग्निकुंड सिद्धांत के पहले समर्थक है चंद्रवर्धाई। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज राष्ट्र, इन्होंने इसमें बताया है कि ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू में एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में जो है ये चार उत्पन्न हुए वंश, उनके नाम भी लिखते हैं। यज्ञ हुआ आबू में, चार वंशों का नाम है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, जिसको आप कैसे भी याद रख सकते हैं या जैसे आप कैसे याद रख सकते हो, हार पहचान, हार पहचान चौहान। तो इसका प्रश्न भी पूछा जाता है, चार वर्ष उत्पन्न हुए अग्निकुंड से, समर्थक है चंद्रवर्धन इस सिद्धांत को देने वाला। अब इसके समर्थक में नेमसी मोहनोत नेमसी और सूर्य मल मिश्र, ये इसके समर्थक है। एक अंग्रेज विद्वान जेम्स कुक ने भी इसका समर्थन किया है। कुक कहते हैं कि अग्नि में हो सकता है कोई यज्ञ हुआ हो और उनको वर्ण परिवर्तन करके उनको शुद्ध करके और फिर इस ये सिद्धांत हुआ होगा। तो कुक जो है वो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, इसको विज्ञान से जोड़ देते हैं, वैज्ञानिक बना देते हैं। तो वर्तमान में जैसे ये सिद्धांत तो थोड़ा ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है। अब इसमें आपको याद रखने का सूत्र देखो, अग्नि अपने मारवाड़ी में आग बोलते हैं, इसको आग रजना टाइम जब है रस हो गया, मुसीबत हो गया रस हो गया, तो अग्नि रस हो गया। सूर्य भी देखो अग्नि सूर्य भी तो अग्नि एक ही राशि नहीं गर्मियों में, और कुक से अपन अग्नि से कोई चीज पकाते हैं तो कुक भी आपको याद हो जाएगा। देखो चंद्रभंडाई या पृथ्वीराज राष्ट्र वाली किताब और सुनेर से सूर्य मल मिश्र और जेम्स कुक, ये मानते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इनका आता है कि भाई ये ब्राह्मण राजपूत जो है वो ब्राह्मण से उत्पत्ति हुई है। ऐसा मानने वालों में ब्राह्मणों में मानने वालों में एक तो है जैसे डॉक्टर भंडारकर इनको जो है चौहानों को बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ब्राह्मण मानता है। उसके अलावा दूसरा नाम आता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, आपको याद रखना है गोपीनाथ शर्मा क्या मानते हैं, ब्राह्मण, खुद शर्मा है ब्राह्मण मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर है वो चौहानों को और कुलों को ब्राह्मण मानते हैं, बाकी को नहीं मानते। तीसरा सिद्धांत है इनका कि भाई ये विदेशी थे, ये राजपूत जो है वो विदेश से जो विभिन्न जातियाँ ही भारत में हमलावर गोण कुषाण चीठिया नसक, तो उनमें से जो है कुछ जातियों को मानते हैं। विदेशियों में मुख्यतः शक वह चीठिया जाति को ये मानते हैं कि भाई ये जो जातियाँ हैं इन्हीं के वंशज राजपूत। विदेशी मानने वालों में अंग्रेज नाम है जो एक तो है जेम्स टॉड और एक है बी ए स्मिथ, तो अंग्रेज है तो अंग्रेज खुद विदेशी थे, विदेशी मानते हैं, आराम से आप जोड़ कर याद रख सकते हैं टॉड और स्मिथ।
अब इसके बाद इन्हें आता है सिद्धांत अगला क्षत्रिय का, केवल ये क्षत्रिय थे। क्षत्रिय में भी क्या है, जैसे दो वंश माने गए हैं, एक तो सूर्य वंशी भगवान राम के वंशज, एक माना गया है चंद्रवंशी। सूर्यवंशी जो क्षत्रिय माने गए हैं, सूर्यवंशी में नाम आता है जो सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं उसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा। फर्स्ट ग्रेड 2015 में ये प्रश्न आया था कि इनमें से कौन विद्वान जो है राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं मानते, तो उसमें ऑप्शन था डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, बिजोलिया शिलालेख और उसके अलावा दशरथ शर्मा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि दशरथ शर्मा है तो ये ब्राह्मणों से उत्पत्ति नहीं मानते। दशरथ शर्मा आपको याद रखने के लिए देखो भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था, दशरथ। तो आप आराम से याद रख सकते हैं कि दशरथ शर्मा जो है वो सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। चंद्रवंशी क्षत्रिय मानने वालों में बिजोलिया आपू आपू जो है माउंट आपू, उसमें एक शिलालेख मिला है उनमें जो चंद्रवंशी बताया गया है। अब क्षत्रिय में वैदिक क्षत्रिय जो मानते हैं भारत के ही जो वैदिक युग से हैं वो, विदेशियों में आप ध्यान रखें, विदेशियों में एक और है गुर्जर जाति से उत्पन्न विदेशी, इसमें डॉक्टर भंडारकर का नाम भी आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर विदेशी भी बता रहे हैं आपको याद रखने के लिए, देखो बात चलती है ज़्यादातर भंडारकर, बात चलती है ज़्यादातर कि विदेशों में काले रंग के भंडार हैं, तो आप याद रख सकते हैं कि विदेशी मानने वालों में गुर्जर जाति से उत्पन्न भंडारकर भी आप मान सकते हैं। अब अगला चल रहा था कि वैदिक क्षत्रिय भारत के प्राचीन, ये लास्ट टॉपिक है। वैदिक क्षत्रिय में हम देखें तो वैदिक क्षत्रिय बताने वालों में एक है सी एम वैद्य और एक है डॉक्टर जी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो ये जो दो विद्वान है ये इनको वैदिक क्षत्रिय मानते थे, तो वेद वैदिक, तो भारत के क्षत्रिय वैदिक क्षत्रिय जो है वो ये है मानने वाले। ज्यादातर जो मत मान्य है वो क्षत्रिय वाला ही मान्य है।